खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे भाइयों दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई ज़बरदस्त तरीन एक ऑयल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो कि आपके आपने अज़ू ख़ास के ऊपर मालिश नहीं करनी है, वो जिस्म के एक हिस्से पर वो लगाना है। उससे आपके अज़ू ख़ास में दिनों हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों में लंबाई पैदा होगी, और इतनी जल्दी और लगाते साथ ही जो आपको फ़र्क करेगा वो वाला नुस्खा आपकी खिदमत में मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाई से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो बेल का आइकन आएगा उस पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो इसका तरीक़ाकार जो नुस्खे का इस बनाने का है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसका लगाने का भी तरीक़ाकार डिफरेंट है। ये अपने अज़ू ख़ास के ऊपर नहीं लगाना है, ये सिर्फ और सिर्फ जिस्म के एक हिस्से पर लगाने हैं। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर लगाना है। वहां पर लगाने के बाद आप देखेंगे कि आप लगाने के 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि अज़ू ख़ास के अंदर क्या तब्दीली आ रही है, किस तरह से अज़ू ख़ास के अंदर तब्दीली रोनुमा हो रही है। एक अजीब व गरीब नुस्खा है, आपको आप जब पहली दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस होगी कि यार ये किस किस्म का नुस्खा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपके अज़ू ख़ास के अंदर फ़ौरन जो है वो इजाफा करने का नुस्खा है। ये किसी भी आप जो है वो उस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्टीराइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने हाथ से खुद नुस्खा बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें। आसान अज्जा हैं, इंतहाई आसान अज्जा हैं, इसमें कोई स्टीरॉयड का इस्तेमाल नहीं है, नेचुरल अज्जा हैं, उनसे ये तैयार होता है तेल, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, नुस्खा साथ साथ मैं आपको बताता चलता हूँ। अपने बिस्तर पर सोने के लिए आराम करने के लिए जाते हैं, तो अगर जब अपने पाँव जब आप बिस्तर पर यानी कि जब आप लेट जाते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अपने पाँव के ऊपर कुछ गर्म कपड़ा वगैरह या कुछ चादर वगैरह डाल दें ताकि वह थोड़े से पाँव आपके गर्म हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जब पाँव आप फील करें कि अब गर्म हो गए हैं पाँव, तो उसके बाद आप ये जो मज़कूरा तेल मैं आपको बताने लगा हूँ इसका आपने इस्तेमाल करना है पाँव के तलों के ऊपर, पाँव के तलों पर मालिश करनी है इस तेल की, और फिर इसके हैरान कन जो मुजरबात हैं वो आपकी आंखों के सामने होंगे। तेल बनाने का तरीक़ाकार और इसमें जो शामिल अज्जा हैं वो आप नोट कर लें। सबसे पहली इस चीज़ इसमें लेनी है रोगन चम्बेली, जैस्मिन ऑयल, चम्बेली का तेल, ठीक है, स्क्रीन पर इमेज मौजूद है। उसके बाद आपने लेनी है मुश्क कस्तूरी, थोड़ी सी महंगी ज़रूर होगी लेकिन अगर आप इलाज की गर्ज से आप करेंगे इस्तेमाल तो इंशाल्लाह आपको महंगी नहीं लगेगी। अगर आप ये जो मुश्क है ये अगर आप चुटकी भर भी आपको मिल जाती है तो भी काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद आपने ज़ाफ़रान लेनी है, ये भी अगर आपको चुटकी भर मिल जाए तो ही काफ़ी है। और इसके बाद ज़ाफ़रान के बाद आपने लेनी है लौंग, लौंग का इमेज भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। उसके बाद इलायची, इलायची का भी इमेज मौजूद है। और उसके बाद दारचीनी, ये तीनों चीज़ें लौंग, इलायची, दारचीनी आपने हम वजन लेनी है, और जितनी मिकदार में डालेंगे ये कोशिश करिएगा कि जो तेल है इससे दुगनी मिकदार में हो, ठीक है। अगर आपकी ये एक चम्मच डालते हैं तीनों की मिक्स करके तो ऑयल की 2 चम्मच होनी चाहिए। तो चुटकी पर मुश्क और चुटकी भर ज़ाफ़रान डाल दें तो इंतहाई जो ज़बरदस्त तरीन नुस्खा आपके लिए बन जाएगा। फिर इसको आपने तमाम चीज़ों को मिक्स करके हामन दस्ते के अंदर खूब इसको आधा घंटा खरल करना है। आधा घंटा खरल करेंगे तो तमाम के तमाम अज्जा जितने भी हैं वो तेल के अंदर हल हो जाएंगे और खूब इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको किसी शीशी के अंदर या किसी जो कांच का बर्तन है उसके अंदर महफूज कर लेना है। महफूज करेंगे तो उसके बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि जब पाँव गर्म हो जाएं, गर्म होने के बाद आपने इस तेल की मालिश कर लेनी है। कोशिश ये करें कि पाँव आपके धुले होने चाहिए, यानी आप जब बिस्तर पर आने लगे तो पाँव धोकर अच्छे तरीके के साथ उसको फिर लाएँ और फिर इस तेल की मालिश करें। और जब मालिश करेंगे तो उसके फौरन 1 मिनट बाद उसके असरात आपके जिस्म में होना शुरू हो जाएंगे, आपकी हरारत गरीरी को बढ़ाएगा, और इसके अलावा आपको सरूर देगा। ये जो तेल है ये इंसान जब मुबाशरत करता है अपनी औरत के साथ तो इंतहाई सरूर और इंतहाई लज्जत के उरूज पर होती है इंसान की इस तेल की मालिश करने के साथ। और उसके अलावा नफ्स की लंबाई
में भी इसका किरदार अदा होता है और नफ्स को लंबा मोटा और सख्त बनाता है। नफ्स को जो है वो फौरन आप मालिश जब करेंगे तो नफ्स में आपके तंदी आ जाएगी, सख्ती आ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपका नफ्स 1-1.5 इंच या 2 इंच तक मजीद बाहर भी आ जाएगा। तो जब इस तरह की हरारत गरीरी इंसान के जिस्म के अंदर बढ़ती है तो अमूमन नफ्स का साइज की में इजाफा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि आपके इस जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां पेश आएंगी, मर्दाना ताकत में भी आपकी इजाफा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह नुस्खा पसंद आया होगा। अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन आएगा, उस पर भी ज़रूर प्रेस कर दें और इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हो सकता है कि इस शेयर करने से किसी को भला हो जाए, किसी की जो है वो इसलाह हो जाए। तो मैं इसी नीयत के साथ वीडियो बनाता हूँ कि ताकि आप लोगों की इसलाह हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल किसी अच्छे नुस्खे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।